बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आज़ीज़ नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक्नी क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ नाज़रीन, जो कि आपके एक्नी को ख़त्म करेगी। इस एक्नी क्रीम के बारे में तफसील से बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश, अगर आप होम फिजिशियन पर नहीं हैं तो करेंटली होम फिजिशियन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन बेल को क्लिक कीजिए, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कीजिए। नाज़रीन, ये देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस किस एक्नी को हील कर सकती है। नाज़रीन, फॉर्मुलेशन यूज़ करने की वजह से एग्नी हो जाती है उसको हील करेगी। लीवर ख़राब होता है उसकी वजह से एग्नी होती है हमारे, उसको हील करेगी। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से एग्नी हो जाती है उसको ये ठीक करेगी। मेकअप यूज़ करने की वजह से एग्नी हो जाती है उसको ठीक करेगी, या फिर एलर्जी हो जाती है हमारे तो ये उसको भी ठीक करेगी। उस एग्नी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्नी होती क्यों है? एग्नी ऑयली ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्टी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने की वजह से एग्नी हो जाती है। और जैसा कि अभी रमज़ान है तो आई होप सबके निकल ही रही होगी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ऑयली चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें अफ्तार में यूज़ कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इस क्रीम का नाम है बायोसेल एंटी एग्नी क्रीम, जिसे निगेबान फार्मा वाले बनाते हैं। नाज़रीन, इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, इसमें शामिल है ट्री ट्री ऑयल, बीटा हाइड्रोक्साइल, अल्फा टिकोफेरल, विटामिन ई, अर्बेटिन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, डायनाइस वाटर, मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन। ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर शामिल किए गए हैं और आप सभी जानते हैं कि ट्री ट्री ऑयल एग्नी को हील करने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है। नाज़रीन, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 650 रुपए की मिलेगी। नाज़रीन, इसका क्या है कि आपने यूज़ किस तरह करनी है देख लीजिए आप। ये ट्यूब होती है, इसको आपने इस तरह करना है, यूज़ के पहले सबसे पहले फ़ेस वॉश करना है, देन आपने अपने फेस को ड्राई करना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने इस क्रीम को लेना है और स्लाइटली अपने फेस पर मसाज करनी है, ज़्यादा नहीं रब करना, स्लाइडली सा रब करना है जहाँ जहाँ दाने हैं आपके। नाज़रीन, इसके लिए एहतियात क्या करनी है? आपने एहतियात ये करनी है कि इसको अप्लाई करके सन में नहीं जाना है, चूल्हे के पास नहीं जाना है और आंखों से महफूज रखना है। और आपने कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कब आपने इस क्रीम को स्टॉप कर देना है कि आपको लगे कि आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इसका आपके फेस पर अगर ये रेडनेस कर दे तो आपने इसको छोड़ देना है, या आपके फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाए। और कितनी एज वाले इसको यूज़ कर सकते हैं? इसको 16 से अबव वाले यूज़ कर सकते हैं, 16 से नीचे वाले इस क्रीम को हरगिज़ यूज़ ना करें। नाज़रीन, इस क्रीम को अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपकी एक्नी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। ये कोई तकरीबन 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपकी एक्नी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा नाज़रीन। और अगर इसका जल्दी इफ़ेक्ट चाहिए आपको, 2 दिन में चाहिए, तो एक फॉर्मुलेशन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह करना है। नाज़रीन, इसको आपने रात में सोते वक्त ही अप्लाई करना है, दिन में नहीं अप्लाई करना है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।